जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ शनिवार के दिन जिसके शरीर में ऐसा होता है तो उसके साथ काली माता रहती है। जी हाँ दोस्तों, जितने कुछ भक्त हैं जो कि माँ काली की सच्चे मन से सच्चे दिल से पूजा पाठ करते हैं तो उन लोगों के साथ कुछ शनिवार के दिन ही, खास करके शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन, इन दो दिनों में ज़्यादातर उनके शरीर में ऐसा होता है जैसा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है जैसा मैं आपको बताने वाली हूं। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगी, पर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो मेरे जितने भी महाकाली के भक्त हैं तो शनिवार के दिन खास करके उनके साथ ऐसा होता होगा जैसा मैं बताऊंगी। अगर आप लोगों के साथ स्वयं ऐसा होता है तो दोस्तों आपके साथ माता काली स्वयं रहती है, तभी आप लोगों के साथ ऐसा होता है। भाई जिसके साथ इतनी बड़ी शक्ति साक्षात विराजमान हो तो ऐसा क्यों नहीं होगा, गारंटी के साथ होता है। और हर एक सच्चे भगत से आप लोग इस बारे में पूछ भी सकते हैं कि अगर माता काली की शक्ति किसी के पास होती है या माता काली किसी के साथ रहती है 24 घंटे तो क्या उसके शरीर में ऐसा होने लगता है जैसा मैं आपको बताऊंगी। किसी से भी पूछ लेना, आपको कोई भी ये बात सच बताएगा, और ये बात 100% गारंटी के साथ सच है। जिस व्यक्ति के साथ माता काली रहती है उसके साथ ऐसा होता ही है, वो भी शनिवार वाले दिन और मंगलवार वाले दिन। तो अब माँ काली की शक्ति जब आप लोगों के साथ रहती है तो आप लोगों को ज़्यादातर शनिवार वाले दिन आपके शरीर में कुछ मतलब बदलाव आने लगते हैं। किस तरीके के बदलाव, जैसे कि मान लो आप शनिवार वाले दिन अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो आपको मतलब कभी कभार ऐसा होता होगा जैसे उल्टी सा मन होता होगा, और ऐसा भी लगता होगा जब आप आँख बंद करते हो कि धरती घूम रही है या फिर हम घूम रहे हैं। ऐसा आपके साथ कभी होता है पूजा पाठ करते समय तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। माता काली आपके साथ रहती है तभी आप लोगों के साथ ऐसा होता है। और दूसरी ओर जब आप माँ काली के शनिवार के दिन मंत्रों का जाप करने बैठते हो तो मंत्र के जाप करते समय आप लोगों को ऐसा भी महसूस होता होगा कि जैसे कि आप एक अच्छी जगह मतलब स्वर्ग में हो, इस टाइम जहाँ पर आप बैठ के जाप कर रहे हो ऐसा लगता होगा आपको कि माता काली आपके आसपास घूम रही है। जिस भी माँ देवी के आप मंत्र का जाप करते हैं उस देवी का एहसास तो आपको खुद ही होता होगा, वो भी शनिवार के दिन, कि देवी माँ आपके आसपास घूम रही है जब आप मंत्रों का जाप करते हो। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो दोस्तों आपके पास माँ काली रहती है, तभी आप लोगों के साथ ऐसा होता है। और यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि शनिवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन माता काली के मंदिर भी जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो कभी कभार उनको ऐसा भी होता होगा मंदिर में जब वो जाते हैं कदम रखते हैं तो मतलब उनके पेट में एकदम गुदगुदी सी होती होगी अपने आप ही। ऐसा किसी व्यक्ति के साथ अगर होता है तो समझ जाओ दोस्तों उसके साथ काली माता रहती है, तभी उसके साथ ऐसा होता है। और उसके साथ साथ जब वो पूजा पाठ करता है, माँ काली को भोग चढ़ाता है तो उसका हाथ भी अपने आप कपकपाने लगता है, जैसे कि हाथ के रोंगटे उसके खड़े होने लगते हैं एकदम से। क्यों होते हैं ऐसे, क्योंकि माँ काली की जो शक्ति है कलयुग में जागृत शक्ति है। अगर कोई भी व्यक्ति माँ काली की कलयुग में जो जागृत शक्ति है इसका जो भी पूजन करता है उससे बहुत जल्दी माता काली प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जागृत है इसी वजह से। और माँ काली का रूप तो आपको पता ही है, उग्र रूप है, और उग्र रूप से आप लोगों को ये भी पता है कि सभी लोग डरते भी हैं माँ काली से, तो डरने वाले लोग तो बेकार हैं जो डरते हैं। ठीक है, माँ को माँ के रूप में पूजोगे तो जीवन में चाहे आपका पूरी दुनिया साथ छोड़ दे पर माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। इस बात को आप आज से नोट कर लो, अपने दिमाग में डाल लो, जीवन में आप लोगों को साथ आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार सब छोड़ देंगे लेकिन माँ काली आपका कभी साथ नहीं छोड़ती। ये ऐसी शक्ति है जो कि अपने भक्त का सदैव ही साथ निभाती है। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है जैसा मैंने बताया है तो समझ जाओ दोस्तों आप लोगों के साथ काली माता रहती है। और यहाँ तक कि मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, जब माता काली आपके साथ रहने लगती है तो आप लोगों का जो मतलब मन है वो माता काली की ओर ही बढ़ने लगता है, प्यार है माता काली की तरफ खींचने लगता है। अगर आप मान लो कहीं जाते हो तो आपको खुद अच्छा नहीं लगता कि मतलब हमेशा यही लगता है कि बस पूजा पाठ करते रहें, मंत्रों का जाप करते रहें माँ काली से,
ऐसे ही प्यार करते रहें। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके पास स्वयं माँ काली की शक्ति है जो कि आपके साथ विराजमान है, और सपने में भी आप लोगों को ये शक्ति संकेत देती भी रहेगी। सपने में आप लोगों को माँ काली के बिल्कुल सैंध रूप में दर्शन भी होते रहेंगे, चाहे वो खुद के घर में क्यों ना दिखे माँ काली, या फिर आप लोगों को बाहर क्यों ना दिखे, या फिर मंदिर में क्यों ना दिखे। मेरा कहने का मतलब ये है, कहीं भी आप लोगों को अगर माता काली सपने के माध्यम में दिखती है, वो भी बिल्कुल अपने सैंध रूप में, जो रूप आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे मूर्ति रूप है, उस रूप में ही अगर माता काली आप लोगों को जिस दिन दिख जाए, तो दोस्तों आप लोगों को मैं गारंटी दे रही हूँ इस बात की कि आपके साथ काली माता रहती है, जब भी आप लोगों को माँ काली सपने के माध्यम में दिखती भी रहती है। हर किसी को ये नहीं दिखती। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ जाओ माता काली आपके साथ ही रहती है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव।